ओके, मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ अबाउट टू फॉलो लिंक्स एंड नो फॉलो लिंक्स. टू फॉलो लिंक्स एंड नो फॉलो लिंक्स क्या है? काफ़ी अगर हम ओल्ड गूगल की उसके अंदर हिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो आपने देखा होगा जो लोग ओल्ड हैं कि एक ही पेज के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ब्लॉग कमेंट कर रहा है तो ब्लॉग कमेंट के ऊपर ही एक ही पेज के ऊपर 15-20 लिंक्स यहाँ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने SEO टिप्स को भी लिंक कर दिया. SEO टिप्स को मैंने फॉर एग्जाम्पल लिंक कर दिया, इसको मैंने यहाँ लिंक कर दिया. जस्ट एन आइडिया के लिए मैं आपके तौर पे आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर रहा हूँ. किसी भी अगर पोस्ट के ऊपर अगर आप जाते हैं तो इस तरीके से आपको लिंक मिल जाते हैं. अपने आपने सारे कीवर्ड जो हैं, या आपने फॉर एग्जाम्पल इससे भी इस तरीके से आपको पेज के आपने आपने लिंक ऐड कर दिए तो क्या होता था कि हमारी जो सारे कीवर्ड हैं वो फौरन रैंक होना शुरू हो जाते थे. और लेकिन अब फिर गूगल ने क्या किया कि गूगल ने एक न्यू टैग जो है इंट्रोड्यूस करवाया जिसको नो फॉलो टैग कहते हैं. इसका मतलब ये था कि आप स्टिल इस तरीके से टैग कर सकते हो, आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, लेकिन अगर उसको नो फॉलो टैग है तो वो जो पेज है वो इन लिंक्स को लिंक जूस नहीं देगा, वो इनको अथॉरिटी नहीं देगा. काफी नाम है डिफरेंट तरीके से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, वो इसको अथॉरिटी नहीं देता, इसको वैल्यू नहीं देता इन लिंक्स को, तो वो कहते हैं नो फॉलो. और जो डू फॉलो लिंक्स हैं वो अगर आपने इस तरीके से अगर कोई भी लिंक बनाया है तो आप के क्या है कि आपकी जूस लिंक जूस अथॉरिटी जो भी आप वैल्यू वो आप इस लिंक को दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर रेफरेंस की बात करें, आप किसी बंदे को रेफरेंस करते हैं कि ये बंदा ट्रस्टेड है पेपॉल के लिए और मेरी इसकी गारंटी है, ठीक है ना, तो आपने एक रेफरेंस दिया, एक बैक लिंक दिया, ठीक है ना, तो वो डू फॉलो है कि मेरी गारंटी है, ट्रस्टेड है. अगर हम नो फॉलो की बात करें, आप कहते हैं कि ये बंदा तो पेपॉल एक्सचेंज करता है लेकिन मेरी गारंटी नहीं है, मुझे इतना पता है ये एक्सचेंज करता है, तो इस कॉल नो फॉलो. आपकी आपकी अथॉरिटी नहीं है, आप उसको लिंक जूस नहीं दे रहे, आप उसको ट्रस्ट नहीं दे रहे कि मुझे इतना पता है कि ये कर रहा है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है लेकिन आई डोंट नो ये क्या है, ये क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता, तो ये डू फॉलो है. लेकिन मैं यहां थोड़ी सी चीज ऐड करना चाहता हूं. इन सम केसेस गूगल ने ये भी चीज अभी तक ये चीज हिडन की हुई है. मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सी नो फॉलो साइट्स हैं, बैकलिंक्स हैं, उनसे अपनी साइट को रैंक किया है, बिल्कुल रैंक हुई है. स्टिल एक बिग एग्जांपल विकिपीडिया है. विकिपीडिया के जो टोटल लिंक्स हैं वो नो फॉलो हैं, लेकिन अगर आप विकिपीडिया से एक या दो लिंक ले लेते हैं तो वो इतने ट्रस्टेड होते हैं कि आपका जो कीवर्ड है वो फॉरन रैंक होना शुरू हो जाता है. तो इस मैंने आपको क्लियर कर दिया कॉन्सेप्ट क्या है. लेकिन अगर जब भी आप अगर गूगल की जो ब्लॉग पढ़े या उसमें पढ़े तो उन्होंने स्पेसिफिक इसको क्लियर नहीं किया. वो कहते हैं हम अपडेट कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसको सून अपडेट हो जाएगा, ये वो. लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैंने आपके साथ डू फॉलो और नो फॉलो का शेयर कर दिया है कि ये चीज डू फॉलो लिंक्स हैं और ये चीज नो फॉलो लिंक्स हैं.